मेरी पोस्टिंग डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में थी और उस दिन मुझे नाइट ड्यूटी थी। करीब 9:30 बजे रात के मेरे सीनियर इंस्पेक्टर नागप्पा रायप्पा माड़ी, इन्होंने मुझे उनके चेंबर में बुला के बताया कि ओबेरॉय ताज विटी इस जगह पर फायरिंग चल रही है, आप तुरंत स्टाफ लेके गिरगा चौपाटी पे पहुंच जाइए और वहां नाकाबंदी शुरू कर दीजिए। और 11 बजे जब वहां पे वाहनों की तादाद कम हो गई तो हमने वहां पे रेगुलर नाकाबंदी जो करते हैं वो बैरिकेड लगा के हमने नाकाबंदी शुरू कर दी थी। 12:15 बजे हमको कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि स्कोडा कार में 2 टेररिस्ट है और वो गिरगा चौपाटी की ओर आने की गुंजाइश है, तो हमने डबल बैरिकेडिंग करवाई। 12:30 बजे रात को वो स्कोडा कार वहाँ पहुँची, हम जहाँ नाकाबंदी कर रहे थे उससे 50 फीट की दूरी पे वो गाड़ी रुकी। हमने गाड़ी में जो थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप कार से नीचे उतर जाइए, लेकिन उन्होंने हमारी इंस्ट्रक्शंस को सुना नहीं, अनदेखी करी और वो गाड़ी स्पीड से हमारी ओर आई और वो यू टर्न लेके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गाड़ी रोड डिवाइडर पर जाके रुक गई। और रुकने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने स्कोडा कार के अंदर ड्राइवर सीट पे अबू इस्माइल बैठा था, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बाजू की सीट पे कसाब बैठा था। तो जैसे मैं ड्राइवर जो टेररिस्ट था उसकी और अप्रोच कर रहा था तो उसने मुझ पर फायरिंग की, तो मेरे पीछे मेरे भास्कर कदम थे, उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे, अभी PI है वो, तो उन्होंने फायरिंग की और कसाब अबू इस्माइल को वहाँ जख्मी कर दिया। फिर मैंने उसने वापस फायरिंग करने की कोशिश की तो हमने उसको मैंने पिस्टल से उसके ऊपर 3 राउंड फायर कर दिए और उसको वहाँ जख्मी कर दिया। उस वक्त कसाब बाजू की सीट पे हैंडसअप स्थिति में बैठा हुआ था और जैसे हम ड्राइवर की ओर बढ़ रहे थे तो कसाब ने दरवाज़ा खोल के वो बाहर उतरा, तो कसाब ने अपने जैकेट के अंदर जो छुपाई हुई थी AK-47 वो निकाली और उन्होंने जैसे फायरिंग किया तो उसके सामने हमारे तुकाराम ओंबळे जी आ गए और वो फायरिंग हमारे तुकाराम ओंबळे जी को लगी, फिर भी उन्होंने बैरल को पकड़ लिया और कसाब को कोई आगे और फायरिंग करने का मौका नहीं दिया और वो वहीं पे गिर गए और फिर हम कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाब रहे। ये जो दो टेररिस्ट थे अबू इस्माइल और कसाब, उनको नायर हॉस्पिटल में भेजा तो वहाँ डॉक्टर ने अबू इस्माइल को मृत घोषित किया और कसाब को हॉस्पिटल में उपचार के लिए एडमिट किया।